अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हो ना हो इसमें रानी की कोई चाल है, आप लोग इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलिए और टेस्ट करवाइए, सारा सच सबके सामने आ जाएगा। बस करो तुम अपनी नौटंकी, ये बहुत सारी हमारी बहन ने अत्याचार। अरे हमारी बहन के पेट में बंसल का दीपक है, अब जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा इस घर में। बहुत करा ली एक से एक नौकरानी गिरी, अब सिर्फ राधिका नौकर नहीं, तुम सब इस घर के नौकर बनके रहोगे। और दामाद जी आप बनके रहोगे जोरू के गुलाम। ऐसी कोई गलत फहमी मत पाल लेना सरपट, आज तक मेरे मर्जी के खिलाफ कोई मुझसे कुछ नहीं करवा पाया है। तो तुम कौन हो? तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हम इस घर के मालिक हैं। मालिक? क्या बकवास कर रहे हो आप? यो मजाक ना है, अपने घर के पुराने मुखिया से पूछ लो। यो रहा इस घर के कागजात, इस पे साफ साफ लिखो है कि अब से सब धन दौलत पे हमारा नाम से। और थारे इस पूजनीय पिताजी के अंगूठे का ठप्पा भी से। अब तक तो हमारी बहन का नाम ही रानी था, अब वो सच की रानी है और हम इस घर के मालिक और तुम सब नौकर। क्योंकि तुम पे कोई भरोसा नहीं, कब हमारी बहन को नुकसान पहुंचा के इस घर से बाहर निकाल, इसलिए आज से सब कुछ हमारी बहन का। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अब ये घर हमारे नाम से, अगर इस घर में रहना है तो तुम सबको हमारे इशारे पे चलना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये घर मेरे पापा का है, मेरे पापा का था और होनी का रहेगा। दे दो।
दामाद जी, माना हम आपके जितने पढ़े लिखे नहीं से, पर इतने भी गवार नहीं कि असली पेपर हाथ में लेकर घूमे। असली पेपर तो अठे से। समझा दामाद जी, फिर से वैसे तो एक पेपर सरपत भैया के पास से और दूसरी कॉपी पहले ही अदालत जा चुकी से। आपने हमारे पापा जी से जोर जबरदस्ती से अंगूठे के निशान लिए, ये पेपर्स अदालत में मान्य नहीं होंगे। तो जाओ लड़ लो जमीन जायदाद का केस, नतीजा कुछ तो निकल लो ना है, और जब तक थारा फैसला होएगा तब तक नाचो हमारी सारे पे। अगर ऐसी बात है तो हमें इस घर में रहना ही नहीं है। ये घर तुम्हारे नाम हुआ है ना, लेकिन हम सब तो अभी भी आजाद हैं। मां, दादी, सामान पैक कीजिए, हम लोग इस घर से अभी जा रहे हैं। हम इस घर से नहीं जाएंगे दिव्या। ये घर मेरे बेटे ने एक एक ईंट जोड़कर अपने कोट पसीने की कमाई से बनाया है। हम इस घर से नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। लेकिन हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट। जसवंत जी, हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर अगर हम इस घर से चले गए ना, तो पापा जी कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उनको इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि उनकी बेबसी और लाचारी की वजह से ये सब हुआ है। और वैसे भी हम बाहर जाकर करेंगे क्या? अगर हम केस लड़ेंगे भी तो उसे सुलझने में सालों लग जाएंगे। जसवंत जी, तो क्या करें राधिका? इन गुंडों के नौकर बन के बैठ जाए हम? दशम जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और वैसे भी दुश्मनों को जितना करीब रखो उतना अच्छा है। अगर हम उनके करीब रहेंगे तो उनकी हरकतों पे नजर रख सकते हैं, हम तभी तो उनको मात दे पाएंगे ना। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।